कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की बाकी है ना? क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करी नौकरी तुमने? बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे। हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल दिया है, ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का? आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दी। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप? उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल FIR कराई थी सर। ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। अब वो तो तुम्हारे SP और तुम्हारे IG साहब या DG साहब डील करेंगे तुमसे। ये मैटर पेंडिंग रहेगा अभी यहाँ पर। देखिए अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं वाकई तकलीफ में आ जाओगे तुम। अगर हमने दोबारा सुना कि तुमने किस तरह की हरकतें करी हैं, तो शायद हम ही तुमको यहां से ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि पुलिस फोर्स को तुमको नौकरी शायद निकालना पड़ जाए। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर कल्प्रिट के साथ बैठ करके और विक्टिम के फादर के साथ डील नेगोशिएट करने का एलिगेशन ही आ रहा है, अगर यही बहुत ज्यादा है। 5-5 बार तुम GTN को बुला के थाने में बैठाते हो और उसके बाद बोलते हो कि ताला लगा मिला हमको। तुम्हारे जैसे लोग तो पुलिस फोर्स में को बदनाम ही करते हैं। हमने लिखा है, आप इसी केस के ऑर्डर में लिखा है, एनी सिचुएशंस की वजह से मैंने लिखा है ऑर्डर में, देयर इज नो वन टू पुलिस द पुलिसमैन। कारण यही है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि आप बादशाह हो, थाने के बादशाह हो आप तो। और कुछ होगा तो साहब से विनती कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा और क्या हो, वही हुआ। और ऐसी तुमने कितनी हरकतें करी होंगी जो अननोटिस नहीं होंगी अभी तक, और तुम्हारे जैसे कितने और होंगे वहां पर। We will deal with you later. But entire चालान में केवल 27 के मेमो वाला वो कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं केस में, केवल 27 का मेमो। और किसी की लड़की गायब हो गई है 4-5 साल से गायब है, आज की तारीख में तो 7 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 साल जिंदा है, मर गई है, कहाँ है किसी को पता ही नहीं सर। आज जो सबसिक्वेंट रिपोर्ट पेश की है, कंप्लायंस रिपोर्ट, और नया डेवलपमेंट हो गया। लॉर्ड साहब ने डायरेक्शन दिया था कि सोनू के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की जब उसने एडमिट किया है कि मैंने मर्डर कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो इनोसेंट है, उसके ऊपर तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत फंसाया गया। अब सर रिपोर्ट इनने पेश किया, मैंने थोड़ी पेश किया था रिपोर्ट, जो इन्होंने आज कंप्लायंस रिपोर्ट पेश किया सर देखिए।